हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर वर्मा और आज दोस्तों मेरे हाथ में एक माचिस। तो दोस्तों ये माचिस है जिसकी तीली का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। किसी भी जगह पर हमें आग जलानी हो, चाहे वो चूल्हे में हो या बाहर हो, कहीं भी आग जलानी हो तो हम दोस्तों इस माचिस की इस तीली का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसी से दोस्तों आग जलती है। 100 में से 90% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बट दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार की माचिस या इस माचिस की तीली एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं दोस्तों, लाखों की संख्या में अगर हम तीली को एक साथ लगाएं और फिर उनमें आग लगाएं तो कितना ज़्यादा विस्फोटक रूप दोस्तों वो लेता है। तो गाइज ये सब मैं नहीं करने वाला। तो ये गाइज मैंने एक YouTube पर वीडियो देखी तो मुझे लगा कि ये वीडियो हमें बनानी चाहिए या आप सभी के सामने पेश करनी चाहिए। दोस्तों मुझे इतना समय नहीं है कि वो वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा है दोस्तों। बट फिर भी मैं आपके सामने वो वीडियो पेश करूँगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो का क्रेडिट भी दोस्तों उसी भाई को जाएगा जिसने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए आपको अभी ये वीडियो दिखा देते हैं। तो गाइज ये देखिए एक के साथ एक किस प्रकार से माचिस की तीलियों को जोड़ता जा रहा है। इसने एक शेप बनाई है, कुछ डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन के हिसाब से सभी माचिस की तीली को एक के साथ एक जोड़ता जा रहा है और धीरे धीरे इनको जोड़ने के बाद आगे दोस्तों एक बनाएगा बड़ा सा वॉल्केन। तो दोस्तों आप इसे देखिए कि किस प्रकार से बना रहा है। तो गाइस देख रहे हो आप कितनी मेहनत कर रहा है शख्स। तो इसके लिए, मेरे लिए नहीं, इस भाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कर दीजिए लाइक, कर दीजिए लाइक। करने में आपको कुछ भी नहीं जाता भाई, एक क्लिक ही तो करना है। कर दिया तभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। और देखिए इस भाई ने कितना ज़्यादा बना लिया। अभी इसने ये आगे तिली के ऊपर तिली लगाकर इसने एक वॉल्केनो के शेप में तिली का छोटा सा महल भी बना दिया। और अभी दोस्तों इसमें लगाएगा आग। तो गाइस ये देखिए इसने आग लगा दी। नॉर्मल एक माचिस जलने के बाद वो बुझ जाती है, बट अभी दोस्तों इस शख्स ने आग लगाई। देखिए धीरे धीरे ये चलती हुई जा रही है, तिली एक के साथ एक जुड़ी हुई है, तो धीरे धीरे ये आग आगे बढ़ रही है गाइस। और बढ़ते बढ़ते देखिए किस प्रकार से तीर की शेप भी बीच में बनाई है, राउंड शेप बनाई है और आग अभी वॉल्केनो की तरफ जाती हुई दोस्तों। और गाइस अभी ये आग वॉल्केनो के अंदर घुस चुकी है। और गाइस वाह हुआ। तो गाइस देखा आपने कितना खतरनाक धमाका। और गाइस ये देखिए वाह गाइस कितना शानदार या कितना खतरनाक धमाका हुआ। गाइस आप सोच सकते हैं कि एक माचिस की तीली से इतना बड़ा धमाका हो सकता है। गाइज यहीं पर ये वॉल्केनो बनाता और इसकी सभी की सभी तीलियां दोस्तों बाहर के साइड रखता, यानी कि तीली का जो रोगन होता है आगे जहां पर आग जलती है वो साइड अगर ये बाहर रखता, यानी तीलियों को इस प्रकार न रख के कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट करता, तो इस प्रकार का धमाका दोस्तों नहीं होता। सारी की सारी तीलियां बाहर से एक साथ में जल जाती। बट ये अंदर रखने से धमाका इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों जैसे ही इस वॉल्केनो के अंदर जो तीलियों का वॉल्केनो बना हुआ था उसके अंदर जैसे ही दोस्तों आग अंदर गई, तो अंदर जाने से सभी के सभी तीलियां दोस्तों एक साथ जल गई। और तीलियों के एक साथ जलने से अंदर बहुत सारी मात्रा में गैस क्रिएट हुई और उस गैस को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली, तो उसने एक विस्फोटक बम का रूप ले लिया और पूरी तीलियां एक साथ जल कर बिखर गई और एक बम का रूप उसने ले लिया सिर्फ और सिर्फ गैस बनने की वजह से। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आज की छोटी सी वीडियो मैंने आप सभी को दिखाई तो आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। और वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।